प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने देश भर में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। नोएडा, मेरठ, दिल्ली और चंडीगढ़ में ईडी की टीम ने छापे मारे। इस दौरान रिटायर्ड आईएएस और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित कोठी पर भी छापेमारी हुई। इस दौरान ईडी की टीम को उनके आवास पर 1 करोड़ रुपए कैश, 12 करोड़ के हीरे, 7 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात समेत संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। मेरठ के शारदा ग्रुप पर भी छापेमारी हुई। आदित्य गुप्ता के ठिकाने से 5 करोड़ रुपए के हीरे मिले। नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी हेजिंडा प्रोजेक्ट के ठिकानों पर ईडी छापों से जुड़ा मामला है। आपको बता दें कि नोएडा में रिहायशी प्रोजेक्ट में घपले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर यह एक्शन हुआ है। देखिए कई जगहों पर ये चीजें बरामद की गई हैं, 11 जगहों पर छापेमारी हुई, रियल एस्टेट की कंपनी पर भी छापेमारी की गई है। दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, मेरठ समेत कई जगहों पर छापा मारा गया है। ईडी की रेड जहां पर 7 करोड़ का सोना भी बरामद हुआ है। तो यूपी की भी कई जगह इसमें शामिल है। लखनऊ से हमारे साथ ऋषभमणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषभमणि से जानते हैं कहां कहां पर छापा पड़ा के और क्या जानकारी। ऋषभमणि जरा विस्तार से बताइए कि मेरठ भी इसमें शामिल है और भी कई जगहों पर बताया जा रहा है कि कुछ सामान भी बरामद हुआ है, कुछ चीजें भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर छापा पड़ा है, क्या जानकारी ईडी की छापेमारी को लेकर? देखिए यूपी में ये छापेमारी तो मेरठ में ही हुई है, बाकी नई दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ में ये छापेमारी हुई है। ये हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी ने एक मामला दर्ज किया है, उसी के मुतल्लिक ये छापेमारी हो रही है। हेजिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसके ऊपर आरोप है कई निवेशकों को इसने ठगा है। नोएडा में एक आलीशान रिहायशी प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च करने की बात कही थी, जिसके नाम पर तमाम निवेशकों से पैसा इन्होंने लिया और वो पैसा किसी और शेल कंपनीज में खर्च करके उस पैसे को डाइवर्ट किया गया है। इसी कनेक्शन में मेरठ के शारदा ग्रुप हैं जो कालीन एक्सपोर्ट का काम करते हैं बताया जाता है, उनके जो आदित्य गुप्ता कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और तो वही मोहिंदर सिंह जो उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड कैडर के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बड़े पदों पर रह चुके हैं, वहां पर सीईओ रह चुके हैं, बसपा सरकार के कद्दावर आईएएस अफसर माने जाते थे, उनके ठिकानों पर चंडीगढ़ में छापेमारी हुई है। 2 दिन ये छापेमारी हुई है और उसमें अच्छी खासी बरामदगी हुई है। रिटायर्ड आईएएस महेंद्र सिंह के आवास से करीब 7 करोड़ रुपए के हीरे बरामद हुए हैं। आदित्य गुप्ता के आवास से 5 करोड़ रुपए के हीरे बरामद हुए हैं। इस पूरी छापेमारी में जो 11 ठिकानों पर चली है जिसमें गोवा भी शामिल है, उसमें 1 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ है, 12 करोड़ रुपए के हीरे बरामद हुए हैं, 7 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है, 6 लॉकरों की जानकारी मिली है जिनको खोल के आगे की जांच बढ़ाई जाएगी, तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जो तमाम निवेश किए गए हैं उनके सबूत मिले हैं। तो मोहिंदर सिंह इसमें सबसे अहम नाम है, जो बसपा सरकार में एक कद्दावर आईएएस अफसर रहे हैं। स्मारक घोटाले का जो मामला चल रहा है उसमें भी इनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन मोहिंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया में थे तब ये बात कही गई थी। और अब जल्द ही इस मामले में ईडी हेजिंडा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कंपनी है उनके तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनसे बात करेगी। यानी कि कह सकते हैं ऋषभमणि अभी और भी जगहों पर छापेमारी हो सकती है और आने वाले वक्त में और भी खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से पूर्व आईएएस के घर पर हीरे का भंडार मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, और दूसरी तरफ बाकी जगहों पर भी छापेमारी होगी, माना जा सकता है कि अभी छापेमारियां जारी रहेंगी और कई और नए ठिकानों पर ये छापेमारी हो सकती है। ऋषभमणि आपको आवाज मिल रही है? ऋषभमणि तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है ऋषभमणि से। और फिलहाल आपको बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ समेत कई जगहों पर यह छापेमारी जारी है। आगे बढ़ते हैं उन्नाव से अगली खबर है, जहां पर पुलिस ने एक लुटेरे को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर शातिर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी
और इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लुटेरे को गोली लगी है। हालांकि शातिर का एक साथी फरार हो गया है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस, 315 बोर दो खोखा बरामद हुए हैं। लूटे गए 75,000 रुपए भी अभियुक्त के पास से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 9 सितंबर को सीएससी संचालक से लूट हुई थी और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में लगी हुई थी। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के उगू क्रॉसिंग के पास ये एनकाउंटर हुआ है। एक लूट की घटना जो फतेहपुर चौरासी में हुई थी उसमें ये अभियुक्त शामिल था और इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस व 75,000 रुपये जो कि लूटी हुई धनराशि थी वो बरामद हुई है और जो एक अज्ञात बदमाश इसमें फरार हुआ है उसके लिए पुलिस लगातार सर्च कर रही है। जो ये अभियुक्त घायल हुआ है इसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है।